हेलो ऑल एंड वेलकम टू नीट नाउ। हम सॉल्व अलॉन्ग में सॉल्व कर रहे हैं इस टाइम इकोसिस्टम क्वेश्चन और ये है आज का हमारा लास्ट सेट, यानी कि इसके बाद हम लोगों ने इकोसिस्टम के 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। आप सॉल्व अलॉन्ग सीरीज़ की प्लेलिस्ट में जाके भी ये वीडियोस देख सकते हैं। सो हमारा 31st क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इकोलॉजिकल निश, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म और इसकी एक इकोलॉजिकल नीश कौन सी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑप्शंस वैलिसनेरिया एंड पॉन्ड, डेजर्ट लोकस्ट एंड डेजर्ट प्लांट लाइज दैट इज अफेक्ट्स एंड लीव, वर्चर्स एंड डेंस फॉरेस्ट। देखिए इकोलॉजिकल नीश और ऑर्गेनिज्म का क्या रिलेशन है कि वो उसको कम्प्लीटली यूज़ करता है। अगर हम बात करें वैलिसनेरिया एंड पॉन्ड की, डेजर्ट लोकस्ट एंड डेजर्ट की, या वर्चर्स एंड डेंस फॉरेस्ट की, वो कम्प्लीटली उसको यूज़ नहीं करते हैं। हाँ कुछ चीज़ें हैं जिनके साथ वो इंटरेक्शन करते हैं, कुछ पार्ट्स हैं उस पर्टिकुलर एरिया के जिनके साथ वो इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन कम्प्लीटली उस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट लाइस और लीफ की, तो जो प्लांट लाइस होता है या एफाइड्स होते हैं वो उसको कम्प्लीटली खा जाते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यानी कि वो पूरी तरीके से अपने आप को डोमिनेंट कर देते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के पास। तो हेंस ऑप्शन सी जो है हमारा प्लांट लाइस एंड लीफ, ये हमारा करेक्ट आंसर है, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इकोलॉजिकल नीश का। क्वेश्चन नंबर 32, इन अ लेक फाइटोप्लांकटन ग्रो इन अबंडेंस इन, यानी कि एक लेक में फाइटोप्लांकटन यानी कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ ग्रो करते हैं, लिटरल जोन, लिमनेटिक जोन, प्रोफंडल जोन या फिर बेंथिक रीजन। अगर हम बात करें हैं फाइटोप्लांकटन की, देखिए फाइटोप्लांकटन को चाहिए होगी सनलाइट, क्यों, क्योंकि वो प्रोड्यूसर है। तो लिमनेटिक जोन ऐसा है जहाँ पे PAR यानी कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन सबसे ज़्यादा होती है, एनहेंस फाइटोप्लांकटन सबसे ज़्यादा यहीं पे ग्रो करेंगे। सो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, लिमनेटिक जोन। क्वेश्चन नंबर 33, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, यानी कि नीचे कुछ ऑर्गेनिजम्स दिए हैं, इनसे सबसे ज़्यादा एक्टिवली मूविंग कौन सा है, बेंथोस, फाइटोप्लांकटन, जूओप्लांकटन या नेक्टॉन। हमने जब लास्ट सेट में हम क्वेश्चन कर रहे थे तभी मैंने आपको एक जगह नेक्टॉन आया था, तो मैंने बताया था कि ये फ्रीली मूविंग फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे या कुछ बड़े भी, जो कि बहुत तेज़ी से स्विम करते हैं और बहुत ही फ्री लिविंग होते हैं, एक्टिवली मूव करते हैं। तो नेक्टॉन इज़ योर करेक्ट आंसर। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 के लिए राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड, यानी कि कौन सा पेयर मिसमैच्ड है, टुंड्रा परमाफ्रॉस्ट, कोनीफेरस फॉरेस्ट एवरग्रीन ट्रीज, सवाना अकेशिया ट्रीज या प्रायरी एपिफाइट्स। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टुंड्रा की परमाफ्रॉस्ट, हाँ वहाँ पे हमेशा फ्रॉस्टिंग रहती है आइस एंड स्नो से, कोनीफेरस ट्रीज एवरग्रीन ट्रीज, हमेशा वो एवरग्रीन ट्रीज ही रहते हैं, कोनीफेरस ट्रीज जो होते हैं दे आर ऑलवेज पेरेनियल ग्रीन, सवाना अकेशिया ट्रीज यस, प्रायरी एपिफाइट्स, अगर मैं प्रायरी रीजन की बात करूँ इट इज़ मोर लाइक ग्रासलैंड, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है, लेकिन जो एपिफाइट्स होते हैं ये ग्रो करते हैं डेजर्ट्स में, सो दे आर डेफिनेटली नॉट फाउंड इन प्रायरी। सो यहाँ पे जो हमें पता करना था कौन सा पेयर मिसमैच्ड है वो है ऑप्शन डी हमारा, प्रायरी एपिफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी कंज्यूमर, इनमें से प्राइमरी कंज्यूमर कौन सा है। उसके पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और हमारा टर्शरी कंज्यूमर। अब प्रोड्यूसर जो होता है वो होते हैं जैसे कि ग्रास एंड ऑल, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर जो होता है हमारा वो हर्बीवोर भी कहला सकता है, या फिर हम उसको ये भी कह सकते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। तो जो हर्बीवोर है वो हमारा प्राइमरी कंज्यूमर बन जाता है, हाँ वो कार्निवोरस नहीं है लेकिन वो पहला कंज्यूमर है, पहला वो इंडिविजुअल है जो कुछ कंज्यूम कर रहा है, एंड हेंस इट इज़ प्राइमरी कंज्यूमर। प्रोड्यूसर, कार्निवोर, टॉप कार्निवोर या हर्बीवोर, ये हमेशा याद रखिए कि प्रोड्यूसर के बाद हमेशा आपका प्राइमरी कंज्यूमर आएगा और वो होगा आपका हर्बीवोर, क्योंकि ग्रास या प्लांट्स हर्बीवोर ही खाएगा, एंड हेंस ही और शी इज़ योर प्राइमरी कंज्यूमर, यानी कि ऑप्शन डी। जैसे यहाँ पे हमने देखा हर्बीवोर, जैसे ग्रास है तो यहाँ पे आपका हर्बीवोर कौन होगा,
काउ, बफेलो, गोट, ये सब, इवन ह्यूमंस भी, तो ये सब आपके हर्बीवोर हो जाएंगे. तो इसलिए ऑप्शन डी जो है ये आपका करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 36. लिटरल जोन इज लोकेटेड अलोंग द हाई माउंटेन्स, सी, रिवर्स या डेजर्ट. जब हम लिटरल जोन्स की बात कर रहे हैं, लिटरल जोन्स वो होते हैं जो कि समंदर के किनारों के पास होते हैं, जो शैलो एरियाज होते हैं उसके पास के एरिया को कहते हैं हम लिटरल जोन्स. तो वहाँ पे आपका जो ऑप्शन बी है, सी यानी कि समुद्र, वो सही हो जाएगा. सो लिटरल जोन इज ऑलवेज लोकेटेड नियर सी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 37. एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज, यानी कि एनर्जी का जो फ्लो होता है इकोसिस्टम में वो कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल या ऑल अराउंड. जब हम बात कर रहे हैं एनर्जी फ्लो की इकोसिस्टम में, वो होता है हमेशा एक ही डायरेक्शन में, यानी कि यूनी डायरेक्शनल. ऐसा नहीं है कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को गया तो कंज्यूमर से वापस प्रोड्यूसर को आ जाएगा, या कार्निवोर से फिर से हर्बीवोर में आ जाएगा. इट इज़ ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल, यानी कि वन डायरेक्शन. क्वेश्चन नंबर 38. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैचिंग ऑफ अ प्लांट, इट्स हैबिट एंड द फॉरेस्ट टाइप वेयर इट नॉर्मली अकर्स. यानी कि हमें यहाँ पे कोई नाम दिया गया है, उसका दूसरा दिया है हैबिट और किस फॉरेस्ट टाइप में वो पाया जाता है. प्रोसोप्सिस ट्री है, डेजर्ट श्रब है. सकैरम ग्रास, फॉरेस्ट. शोरिया रोबस्टा, हर्ब, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. एकेशिया कैटेचू, ट्री, कोनिफरस्ट फॉरेस्ट. अगर हम बात करें करेक्ट मैचिंग की, प्रोसोप्सिस जो है ट्री दिया है, डेजर्ट श्रब दिया है आपको, सैकरम दिया है, ग्रास दिया है, फॉरेस्ट दी है, शोरिया रोबस्टा हर्ब दिया है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और एकेशिया कैटेचू दिया है ट्री, कोनिफरस रेन फॉरेस्ट. इन दोनों की हम बात करें तो ये पाए जाते हैं डेसीडियस फॉरेस्ट में, नॉट इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या कोनिफरस फॉरेस्ट. और यहीं अगर मैं बात करूँ आपकी सैकरम की, ग्रास है लेकिन ये पाई जाती है ग्रास लैंड में. ठीक है. और प्रोसोपिस ट्री, डेजर्ट श्रब, यस. प्रोसोपिस जो होता है ये होता है ट्री और ये डेजर्ट श्रब होता है, यानी कि ये डेजर्ट्स में पाया जाता है. सो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है. क्वेश्चन नंबर 39. दीज बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स. यहाँ पे हम फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स की बात पे आ गए हैं कि हर प्रोड्यूसर्स के बाद कौन होता है. स्नेक्स एंड फ्रॉग्स. स्नेक्स डेफिनेटली आपका कार्निवोर है, ठीक है, हर्बीवोर नहीं है, तो प्राइमरी कंज्यूमर होने के चांसेस जीरो हो गए हैं. फ्रॉग सेम थिंग अगेन. इंसेक्ट्स एंड कैटल. कैटल अगर मैं बात करूँ हर्बीवोर है, इंसेक्ट्स भी हर्बीवोर है, तो ऑप्शन बी सही हो सकता है. बट हम नेक्स्ट भी देख लें, ईगल एंड स्नेक्स अगेन कार्निवोरस, वाटर इंसेक्ट्स नहीं. सो यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हैं वो हैं आपके इंसेक्ट्स और कैटल, यानी कि वो हमारे हर्बीवोर हैं, वही हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं. Which of the following is an example of man-made ecosystem? यानी कि man-made ecosystem का example कौन सा है. Tissue culture, aquarium, herbarium या forest. Herbarium क्या होता है ये हम लोगों ने living world में देखा था, it is a taxonomical aid, hence it is not possible. Forest हमने नहीं बनाया है. Tissue culture ecosystem नहीं कहलाएगा. Ecosystem में सारे components होने चाहिए, living, non-living, बायोटिक फैक्टर्स, सारे सारे सारे. तो उस हिसाब से एक्वेरियम जो है ये आदमी द्वारा निर्मित किया गया इकोसिस्टम है, हेंस इट इज़ आल्सो नोन एज मैन मेड इकोसिस्टम. सो एक्वेरियम ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर ओवर हियर. यहाँ पे हम अपना लास्ट सेट खत्म कर रहे हैं इकोसिस्टम का. इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, विच इज़ बायोडाइवर्सिटी एंड कॉन्जर्वेशन. तब तक के लिए उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि जब मैं क्वेश्चन कराऊँ तो आपको उनके आंसर्स देने में हेल्प हो. सो कीप स्टडिंग एंड टेक केयर.